गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। हमने 5 पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने टाइटल वर्जन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया था पिछले एग्जांपल में, जब हमने इंटीजर को कन्वर्ट किया था। अब बात करते हैं टाइटल कन्वर्जन, जो हमारा टॉपिक है उसमें एक एग्जांपल दे रखा है। मुझे कहा गया है आपको कि नंबर एक नंबर एक वेरिएबल ले रखा है, ठीक है। वेरिएबल लेने के बाद उसको एक इनपुट फंक्शन के अंदर इंसर्ट करवाया। इनपुट फंक्शन में इंसर्ट करवाने के बाद कह रहा है एंटर नंबर एंड आई विल डबल इट, कि आप जो भी नंबर एंटर करेंगे मैं उसको डबल कर दूंगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है जो हमारे से कीबोर्ड से इनपुट ले रहा है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको प्रेस किया, आपने ये लाइन लिखी और एंटर किया, तो आपको लिख के शो करेगा कि एंटर अ नंबर एंड आई डबल एट। इस तरह से आपको आपकी आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा नजर आएगा। फिर आप जैसे ही कीबोर्ड से कोई भी नंबर कोई भी डिजिट आप अगर इंसर्ट करते हैं, तो वो आपको जैसे अगर हमने 4 इंसर्ट करी, ठीक है, अगर आप 4 इंसर्ट करें तो इसका मतलब है कि आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, 4। और आपने जैसे टाइप करा और फिर एंटर करा, तो आप आउटपुट क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, क्योंकि 4 का नंबर क्या होता है, 8। पर अगर आपने इस तरह से लिखा है और आपको क्या करेगा, ये लॉजिक दिया हमने नंबर इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। क्योंकि क्या अगर किसी चीज को डबल करना होता तो मल्टीप्लाई 2, ट्रिपल करना होता तो मल्टीप्लाई 3। इसी तरह से क्या है, अपन ने जो नंबर दिया है 4 और उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए 2 से, मतलब 4 2 8, अपन को 8 आउटपुट आना चाहिए। पर वो क्या है, आपको आउटपुट प्रिंट करने में क्या देगा, आपको 44। अब ये 44 क्यों आया है, इससे पहले एग्जांपल में भी मैंने बताया था कि आपके जो भी आउटपुट इनपुट के अंदर आपका यूजर के से आपका कीबोर्ड से जो भी आप उसको आप कमांड देंगे, वो क्या है, वो इनपुट के अंदर एज अ स्ट्रिंग लेगा। तो अगर उसने 4 को अगर उसको स्ट्रिंग माना है, तो इसका मतलब है उसने जो स्ट्रिंग ली है उसको 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब बस ये आपको करेक्ट आउटपुट नहीं है। और हमें अगर करेक्ट आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके इससे पहले इस नंबर से पहले यहां पर आपको एक अपडेट करनी पड़ेगी। आपको लिखना पड़ेगा नंबर इज इक्वल टू, अब क्योंकि इनपुट हमारे पास जो है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना है। इससे पहले एग्जांपल में मैंने बताया था आपको कि आपको उसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, इंट, जो इंटीजर को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इंट नम वन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो क्या है इनपुट लेगा आपको, वो आपने स्ट्रिंग इनपुट लेगा, तो उसने क्या किया, एक 4 स्ट्रिंग इनपुट लिया, ठीक है। अब उस 4 को ये यहाँ पे इंसर्ट करवाएगा, नम वन की वैल्यू के हमारे पास 4 है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, इस स्ट्रिंग वैल्यू को फिर वो क्या है इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपने जो क्या है ना इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीजर नंबर है जो 4 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जब वो यहाँ पे आएगा आपका, आपका नेक्स्ट लाइन जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो क्या देखेगा कि नम इज इक्वल टू नम मल्टीप्लाई 2। तो अब हमारे पास क्या है, नंबर वन की वैल्यू क्या है, नम नम की वैल्यू क्या, हमारे पास 4 जो कि इंटीजर वैल्यू है मल्टीप्लाई 2। जब आप उसको प्रिंट नंबर करेंगे तो अब हमारे पास क्या प्रिंट होगा, 8, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या हो गया हमारे पास इंटीजर वैल्यू, इससे पहले क्या थी हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू थी, इसलिए जब भी जैसे हमने स्ट्रिंग वैल्यू को डबल किया, इसका मतलब उसने ये सोचा कि स्ट्रिंग को 2 टाइम्स आपको रिपीट करके लिखना है, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे पास टाइप कन्वर्जन हो गया, जिसको हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहते हैं। जैसे हमने बताया कि डाटा टाइप कन्वर्जन क्या है, 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है आपके एक्सप्लिसिटली, तो मतलब बाहरी तौर से हम जो यूजर आपको फोर्सफुली आपके कंप्यूटर को या आपके पाइथन को कहता है कि आपको जो हमने स्ट्रिंग दी है, जो स्ट्रिंग दी है उसको या तो इंटीजर में फ्लोट में, अगर इसकी जगह इंटीजर की जगह मुझे फ्लोट में चेंज करना होता, अगर मैंने 4.2 दिया होता तो मैं क्या करती, 4.2 को चेंज करना पड़ता मुझे स्ट्रिंग से आपके फ्लोट के अंदर, तो मैं यहाँ इंटीजर की जगह क्या लिखती, फ्लोट लिखती, ठीक है। 2 टाइप कन्वर्जन है, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली।
यूजर उसको फोर्सफुली कहता है कि इस टाइप डेटा टाइप में आपको चेंज करना है, और इम्प्लिसिटली होता है कि आपको कंप्यूटर को नीड होती है, उसको ऐसा लगता है कि डेटा टाइप जो आपने दिया है वो गलत है। पर ये इम्प्लिसिटली वो तभी एप्लीकेबल होता है जब भी एप्लीकेबल करता है या फिर आपको जब भी आप नेसेसरी सोचता है कि जो भी अगर वो टाइप कन्वर्जन कर रहा है उससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है आपकी लॉस ना हो। एक्सप्लिसिटली में हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें चाहिए कि हमारे पास जो करेक्ट आउटपुट जो हमें डिजायर्ड आउटपुट है वो चाहिए, तो हम उसको फोर्सफुली कह सकते हैं कि आपको एक टाइप कन्वर्जन हो सकता है चाहे उसके लिए हमारी इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास टाइप कन्वर्जन के बारे में कि किस तरह से होता है। सो हमारा नेक्स्ट हमने बताया था कि हमारे पास टाइप ऑफ कन्वर्जन दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ठीक है, दूसरा होता है इम्प्लिसिट। तो हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, एक टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं, टाइप कास्टिंग कह सकते हैं, एक्सप्लिसिटली कह सकते हैं, दोनों ही इसके नाम है। ठीक है, इसको किस तरह से हम एक्सप्लिसिटली है कि हमारे पास यूजर जो आपको फोर्सफुली करता है वो है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें देखा है कि इसका सिंटेक्स क्या है, आपके सिंटेक्स इस तरह से होता है, सिंटेक्स का मतलब कि इसको किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हमने लिखने में बस देख लिया है किस तरह से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है, न्यू डेटा टाइप, आपके जो भी डेटा टाइप होता है उसको आपका डेटा टाइप जिसे हमने इससे पहले लिखा था, आपके इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा था, जो हमें नया जो डेटा टाइप चाहिए था वो इंटीजर टाइप का था, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिया हुआ था, तो स्ट्रिंग से हमने क्या इंटीजर में चेंज करना था, क्या न्यू डेटा टाइप, और फिर कौन सी एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। तो हमने इससे पहले क्या लिया था, नंबर लिया था। ठीक है, आपका कोई भी वेरिएबल का नाम हो या फिर कोई आपकी बहुत बड़ी एक्सप्रेशन लिखी हुई हो उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स इसी तरह से होता है, आपका डेटा टाइप चाहिए और आपके एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिटली में मैंने ये बता भी कि आपको कि इसमें इन्फॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि आपको अगर मैंने फ्लोट लिया है, कोई नंबर फ्लोट कर ले रखा है, जैसे कि x = 60.25, ठीक है, एक फ्लोट नंबर है। अब हम जब कन्वर्ट करेंगे फ्लोट को इंटीजर के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, इसका जो आंसर आएगा x किया हमने, जैसे कि मैंने इसको चेंज करा डेटा टाइप लिखा x को चेंज करा। ठीक है, तो x को जब चेंज करने के बाद मैं इसको एक कमांड देती हूँ, नेक्स्ट कमांड अगर प्रिंट करती हूँ x को, अब इस प्रिंट x को करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, आपको आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, 60, क्योंकि हमारा इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा 60, हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यू हट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास 0.25 का हमारे पास क्या है, लॉस हो गया। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर मेरे पास बहुत से 0.5 है तो मुझे कितना इन्फॉर्मेशन का लॉस हो गया। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में चेंज करने के लिए हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें वो एक्सप्लिसिट में नहीं करता है, कुछ फंक्शन जो हमारे इम्प्लिसिट में दिए हुए, सॉरी एक्सप्लिसिट में दे रखे हैं आपके बुक में, इंटीजर के बारे में हमने एक बार देख लिया है, इसके एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, फ्लोट, अगर किसी नंबर को हमें फ्लोट में चेंज करना हो, यहाँ इंटीजर की जगह फ्लोट लिख देती है, यहाँ नंबर लिख देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग को, एस टी आर अगर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर कोई इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में चेंज करना होता है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एस टी आर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टर के लिए CHR CHR X, इसको क्या करेगा, जो एक्स को है वो कैरेक्टर में चेंज करेगा, कैरेक्टर में चेंज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसमें यूनिक कैरेक्टर UNICHR, तो ये क्या है, एक्स को कन्वर्ट करेगा आपके यूनिकोड कैरेक्टर्स के अंदर। हमने इससे पहले प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था, आपके यूनिकोड ASCII कोड ही सब पढ़े थे ना, उस कोड में आपको चेंज कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्या है, आपके टाइप कास्टिंग यानी आपके एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के कुछ फंक्शंस आपको बता रखे हैं, इससे रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल आपके दे रखे हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे दो एग्जाम्पल है, हमारे पास एक्सप्लिसिटली के अंदर है इंटीजर से फ्लोट में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पहले हमने लिया है, दो नंबर लिए हैं, नंबर और नंबर को जो
इंटीजर वैल्यू है 10 और 20, ठीक है, इनकी दो इंटीजर वैल्यू ले लिया आपको और वो आपको बता रहा है कि फिर नंबर 3 के अंदर 1 और 2 को ऐड करके आपको एडिशन की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नंबर 3 के अंदर वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या प्रिंट करवाना है हमें, नंबर 3 प्रिंट करवाना है। जैसे आपको ये एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आए जैसे प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंट क्या करवाएगा, हमें प्रिंट करवाएगा नंबर 3 की वैल्यू। तो नंबर 3 में कितनी आई है, नंबर 1 + 2 तो 10 + 20, इसको क्या करना है, 10 + 20 करना है, 30 हो गया, ठीक है। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, ये हमारे आउटपुट स्क्रीन के अंदर जैसे वो आपको क्या प्रिंट करके देगा, पहले तो 30, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट उसके ऊपर आए हमारे पास नेक्स्ट लाइन के बाद आपने लिखा है प्रिंट टाइप नम 3, हम क्या करेंगे प्रिंट करवा रहे हैं क्या टाइप, कौन से टाइप का है नंबर 3, कौन से टाइप का है, ठीक है। तो क्या प्रिंट करके देगा हमें, कौन से टाइप की क्लास है हमारे पास, ये कौन सी वैल्यू ले रखी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रखी है, ठीक है इंट, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिख के देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट लाइन, नम 4 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ नम प्लस 1 + 2। अब ये क्या है, नंबर 10 + 20 को तो वो एड तो कर रहा है 30, ठीक है, और इस 30 को अब यहाँ पर रिजल्ट हमारे पास 30 आया है, 30 को क्या हुआ क्या है फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करा जा रहा है, 30 है तो इंटीजर पर हमने क्या उसको फ्लोट में चेंज करना चाहते हैं। तो फिर वो क्या प्रिंट, जब हमारे पास प्रिंट वाली वैल्यू आएगी प्रिंट नंबर 4, तो प्रिंट हमारे पास नंबर 4 को हम प्रिंट करेंगे तो वो क्या आएगा 30.0, क्योंकि इसके बाद हम कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि 30.1 लिखते उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर 30.0 के मतलब उसकी वैल्यू 30 है, ठीक है। जैसे ही हम नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे प्रिंट टाइप नंबर 4, ठीक है, अब हमें जो प्रिंट करवाना होगा तो क्या प्रिंट करके देगा आपको, क्लास फ्लोट, क्योंकि अब हमारे पास ये कौन सी क्लास आ गई है, कौन सा है हमारे पास टाइप, मतलब क्या है हमारे फ्लोट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्लोट से इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो फ्लोट से इंटीजर के अंदर किस तरह से होगा, तो नंबर तो हमारे पास क्या है, नंबर 1 हमारे पास 10.2 है और नंबर 2 हमारे पास क्या है 20.6, ठीक है। तो 10.2 और 20.6 है, ठीक है आपके, तो नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए आपको, इन दोनों का एडिशन करेंगे, कौन सी वैल्यू हमारे फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10.2 + 20.6, तो इसकी कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 30.8, ठीक है। तो ये 30.8 जैसे हम आउटपुट पे आएंगे तो आउटपुट जब आपका आएगा तो किस तरह से आएगा, नंबर इसको प्रिंट करवाएंगे नंबर 3 को और इसमें क्या आएगा हमारे पास 30.8, ठीक है। नेक्स्ट लाइन प्रिंट करें प्रिंट टाइप नंबर 3, अब ये कौन सा टाइप का है, तो ये कौन सा टाइप का है, क्लास हमने उसने बताई है हमारे पास फ्लोट का, ठीक है। नेक्स्ट जब उसको ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, नाम 4 एडिशन का 30.8, यहाँ पे जो 30.8 आया है उसको कैसे चेंज करेगा इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए क्या लिया वो सर, आपको जब यहाँ पे प्रिंट में लाइन पे आएगा तो कितना प्रिंट करेगा वो आपको सिर्फ 30 प्रिंट करके देगा, ठीक है 30 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में जो आपको प्रिंट करके देगा आपकी क्लास कौन सी क्लास है और आपकी क्लास कौन सी है इंटीजर टाइप की है, ठीक है। अब तो देखो हमारे पास ये क्या है, इंटीजर से फ्लोट में करा तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस नहीं हुआ, पर जब हमने यहाँ पे फ्लोट से इंटीजर में चेंज किया तो क्या 0.8 का हमारा लॉस हो गया, ठीक है, हमारे जो वैल्यू है 0.8 कम हो गई है। तो ये इसको कह सकते हैं हमारे पास इसमें लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम कभी भी जब चाहते हैं कि जब कंप्यूटर आप खुद करता है तो वो क्या करता है बड़े अपने से बड़े डाटा टाइप में चेंज करता है, क्योंकि इंटीजर छोटा डाटा टाइप है और फ्लोट डाटा टाइप आपका बड़ा है, तो बड़े से आपको छोटे में चेक करेंगे तो आपको रिस्क होता है आपके इन्फॉर्मेशन का लॉस का, ठीक है। इसके बाद हम कैरेक्टर्स किस तरह से चेंज करते हैं कैरेक्टर्स के अंदर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर स्ट्रिंग टू इनर
नंबर एंड नंबर टू स्ट्रिंग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। पहले तो ये है कि नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्ट करते हैं तब आपको पहले आपको एरर देता है कि आपको नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है, पर फिर भी हम एक्सप्लिसिटली उसको फोर्स करते हैं कि ऐसा करो, ठीक है। पहले हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रिंग से हमारे पास नंबर में कन्वर्ट करने का, तो हमने प्राइस लिखी है, एक प्राइस हमारे पास है 25 और दूसरा प्राइस हमने 45 लिखा, ठीक है। जब हमने टोटल प्राइस को प्लस किया प्राइस वन और प्राइस टू को, तो ये क्या है हमारे पास इसको प्लस करेगा। फिर हमने जैसे यहाँ लिखा प्रिंट ये वाली वैल्यू को हमने एग्जीक्यूट करा, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तो लिखेगा द टोटल रुपीज इज, द टोटल इज रुपीज, आपके जो भी टोटल आया है इसको और इसको प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि अभी ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, क्योंकि इनपुट पर हम जो भी लेते हैं हमारे पास जो भी फंक्शंस होते हैं हमारे पास क्या है स्ट्रिंग में लिए हुए होते हैं, इसलिए आपको आउटपुट क्या देगा 25 और 45, वो दोनों को प्लस कर देगा, मतलब आपके दोनों को एक साथ जोड़ के लिखेगा, मैथमेटिकली नहीं जोड़ेगा, ठीक है, आपको पास पास में लिख देगा। क्योंकि जब हमने बात करी थी कि किस तरह से लिखते हैं तो आपको मैंने बताया कि जब हमने प्लस लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों को विदाउट स्पेस आपके दो स्ट्रिंग वैल्यू को विदाउट स्पेस आपको लिखता है आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। तो हमने स्पेस देने के लिए क्या किया था, हमने बस कॉमा लिया था, इसका प्लस का मतलब यही है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स को क्या है साथ में लिखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर मैं इसके जगह यहाँ ऐसा लिखती तो प्राइस इक्वल्स टू एट प्राइस वन, क्योंकि मैंने जो प्राइस वन है ये स्ट्रिंग में था, मैंने इसको किसको चेंज कर दिया है आपके इंटीजर टाइप की वैल्यू में था, अभी क्या है 25 हमारे पास क्या हो गया इंटीजर हो गया प्लस 8 प्राइस टू, अभी 45 भी क्या है इंटीजर वैल्यू हो गई। दोनों को मैंने पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर इन दोनों को प्लस किया है 45 और 30 को, 25 को, ठीक है, दोनों को प्लस किया। अब आप प्रिंट करेंगे तो वो लिखेगा द टोटल इज रुपीज, दोनों प्लस करके लिखेगा अब 70 लिया, क्योंकि अब हमारे पास क्या है जब भी क्यों हम चेक करना चाहेंगे तो हम टाइप पूछ सकते हैं कि टाइप क्या है हमारे प्राइस का, तो आपको टाइप लिखेगा इसमें तो इंटीजर लिखेगा और इसमें वो क्लास लिखेगा आपकी स्ट्रिंग क्लास लिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास अगर दो नंबर दिए हुए हैं और उसको हमने क्या है चेंज करा है सेवन प्राइस में, दो इंटीजर वैल्यू मिली है और उसको स्ट्रिंग में लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी इसको किस तरह से वो डायरेक्ट आपको आउटपुट देगा द टोटल प्राइस इज रुपीज 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमने यहाँ पे इस टोटल प्राइस को स्ट्रिंग में ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस तरह से हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्शन होता है जो कि खुद कंप्यूटर आपको करके देता है, जो मैंने बताया कि आपको हमेशा जो बड़ा डेटा टाइप होगा वो उसमें कन्वर्ट करेगा। सो हमारा नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जिसे हम कोएलिशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ले रखा है, आपको पता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है कि पाइथन खुद अपने इंटरप्रेटर के द्वारा आपको करके देता है उसको, जिस तरह से लगता है कि आपको ये चेंज कर सकता है। जैसे हमने दो नंबर लिए हैं, एक तो हमारे क्या है इंटीजर टाइप का है, एक आपके फ्लोट टाइप का पॉइंट बता रखा है, इन दोनों को क्या मैंने एक सम करा, सम करने के बाद उसको प्रिंट कर पाया, जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो वो क्या प्रिंट देगा हमारे पास 30.0। अब ये क्या हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है, यहाँ इंटीजर थी यहाँ फ्लोट थी, पर यहाँ पर उसने रिजल्ट में हमें क्या दिया फ्लोट वैल्यू दी है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है तो वो हमेशा उस डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है जो कि वाइडर रेंज में होगा, ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अगर हमने प्रिंट करा टाइप तो हमारे पास कौन से टाइप का है, तो हमारे पास क्या आएगा कौन सी क्लास है, अब यहाँ पे कौन सी क्लास है फ्लोट है, ठीक है, हमारे रिजल्ट में आया है फ्लोट के अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कन्वर्जन अलाउज होता है ऑपरेशन का कन्वर्टिंग हमेशा किसमें होता है वाइडर साइज डेटा टाइप के अंदर होता है, ताकि हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन का लॉस ना हो। अगर इसमें मैं कंप्यूटर का स्टॉक को इंटीजर में कर दिया तो पॉइंट की जो लॉस होती है वो हमेशा ही या इंफॉर्मेशन का रहता है। इसके बाद हमारा एक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिबगिंग।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं हमारे प्रोग्राम के कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कि हमारे जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसमें हमने एक्सप्रेशन सही लिखा है कि नहीं लिखा है, या हमने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसको आपने परफेक्ट सीक्वेंस में लिखा है, या फिर आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी हो। तो ये प्रोसेस होता है डीबगिंग करने का, ठीक है? तो हम उसको कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग। मतलब पहले तो उसको देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या मिस्टेक है, और फिर उस मिस्टेक को रिमूव करना डिबगिंग है ना। तो हमारे पास मिस्टेक्स कौन से हो सकते हैं? बग्स हो सकते हैं या फिर एरर हो सकते हैं, ठीक है? इसमें तीन तरीके के हमारे एरर है बता रखे हैं पाइथन में। सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, रन टाइम एरर, ठीक है? सिंटेक्स एरर हमारे पास वो होते हैं जब हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमने कुछ लिखा है और फिर हम उसको लिखने के बाद आपको वो एक एरर देता है कि आपका जो एरर है हमारे पास सिंटेक्स एरर आ रहा है कि हमने कोई भी स्टेटमेंट को आपने अगर करेक्टली नहीं हुआ है। एक एग्जांपल आपको बुक में दे रखा है जैसे 10+12 है, अगर 10+12 अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। और अगर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया 10+12 और एक ब्रैकेट क्लोज करना मैंने भूल गई, तब वो क्या है, आपको जैसे ही आप अपना एंटर करेंगे ताकि आप अपने आंसर को या आउटपुट को ले सके, आप एंटर करेंगे तो आपको एक एरर शो करेगा कि आपने क्या है, आपकी सिंटेक्स एरर आ गई है। आपको बताएगा कि आपने कुछ टर्मिनेट नहीं किया है या फिर आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, आपको इस तरह से आपको एरर शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल एरर, जिसे हम सिमेंटिक एरर भी बोलते हैं। लॉजिकल एरर होती है उसमें आपको क्या है, पहले आपको पता नहीं पड़ता, आपको एरर भी शो नहीं करता, पर आपको उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने से पता है कि आप जो आउटपुट चाहते हैं, जो डिजायर्ड आउटपुट आपको चाहिए, आपका वर्ड आगे दूसरा कुछ आउटपुट आ रहा है उस तरह से होता है, ठीक है? इट इज अ बग इन अ प्रोग्राम दैट कॉजेस बिहेव इनकरेक्टली। ये एक तरीके का क्या होता है, बग होता है जो आपके प्रोग्राम को बिहेव करवाता है आपको गलत तरीके से, ठीक है? जैसे कि आपकी एरर लिखा हुआ है 10+12/2, ठीक है? तो इसका आंसर हमें क्या निकालना है, हमें आपको एवरेज निकालना है, ठीक है? अगर मैं चाहती हूँ कि एवरेज निकालना है तो इस तरह से होगा, पर वो किस तरह से करेगा, एग्जीक्यूट 10+12 को डिवाइड करेगा 2 से, ठीक है? तो यहाँ 6 आ गया और यहाँ आपको क्या रिप्लाई करेगा, आपको 16, पर हमें क्या है इसका, आपको एवरेज चाहिए। तो एवरेज लेने के लिए मैं इसको क्या इसको करेक्ट लिखना चाहूँ तो किस तरह से लिखूंगी, 10+12/2, तब हमारे पास क्या प्रेसिडेंस इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आएगा, बस अब आएगा 22/11, तो हमारा करेक्ट आउटपुट तो 11 आना चाहिए, पर हमने क्या है यहाँ पे इस तरह से लिखा था, तो ये क्या हमारे आपके सिमेंटिक एरर्स हो गई। सिमेंटिक एरर होने से हमें उसमें एरर शो नहीं किया, पर हमारे क्या है आउटपुट क्या है आपके गलत आ रहा है, ठीक है? इसलिए हमारे पास ये कौन सी एरर होती है, हमारे पास लॉजिकल एरर्स, ताकि हमारे जो लॉजिक्स होते हैं वो हमारे पास आपके काम तो करते हैं पर वो क्या है आपके इनकरेक्टली आपको आंसर करेक्ट नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद रन टाइम एरर। रन टाइम क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी प्रोग्राम का टर्मिनेशन है वो आपको ये कह सकता है कि आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का जो आपको है वो प्रॉपर्टी नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन होता है आपके एबनॉर्मल टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम का वाई एग्जीक्यूटिंग, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको टर्मिनेट करता है। इट डज नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग और एग्जीक्यूटिंग। ये जब तक आपको शो नहीं करता है, जब तक आपका प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करने के लिए शुरू नहीं हो जाता। ये सिंटैक्स एरर जैसे आपने एंटर करा था आपको बताता है, लॉजिक एरर आपको बताता ही नहीं है कि आपको एरर हुई है, उसमें हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हमें लॉजिक एरर समझ में आता है। रन टाइम एरर आपको आपने एग्जीक्यूट करने के बाद देता है, जैसे कि हमने किसी भी नंबर को अगर हमने 0 से डिवाइड कर दिया, अगर हमने 5 से 0 से डिवाइड करा तो वो आपको बाद में बताएगा कि आपको जो डिवाइड है वो आपने या तो आपने नॉन इंटीजर लिया है या फिर आपने 0 लिया है, इस तरह से आपको वो एरर आपको बताएगा, ठीक है? इसका एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि जिस तरह से कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा जो 0 से डिवाइड करता है, ठीक है, इसी एरर के साथ एरर वाले
आपके टॉपिक के साथ इसका हमारा चैप्टर 5 फिनिश हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी प्रोग्राम्स आपको अपने बुक के पीछे दे रखे हैं वो आपको खुद को एक बार करके देखना है। थैंक यू।